हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एशियाटिक लिली प्लांट पर। यह विंटर का सीजनल प्लांट होता है जो अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और दिसंबर में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो मार्च तक काफ़ी फ्लावरिंग करता रहता है। इसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कॉर्नियोलिकम और ये लिलियसी फैमिली का प्लांट है। लिलियसी फैमिली में 100 स्पीसीज होती हैं और ये काफ़ी सुंदर प्लांट होता है और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है ये अपनी सुंदरता के कारण। एशियाटिक लिली का फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है और दिखने में काफ़ी सुंदर होता है। इसके फ्लावर की 6 पेटल्स होती हैं और ये काफ़ी कलर्स में भी अवेलेबल है, जैसे वाइट, पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल और भी काफ़ी कलर्स में ये आते हैं। एशियाटिक लिली एशिया का प्लांट है और प्रेजेंट टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि ये काफ़ी सुंदर प्लांट है इसलिए, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी सुंदरता के कारण ये सजावट के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर इसे ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये 7 से 8 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है और गमले के अंदर ये 5 से 6 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है। एशियाटिक लिली को ग्रो किया जाता है बल्ब से और ऑफ सीजन में आप इसके बल्ब को स्टोर करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख भी सकते हैं। ये प्लांट 3 डिग्री से 25 डिग्री तक अच्छे से सर्वाइव करता है। एशियाटिक लिली को आप सीड से और बल्ब से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। इंडिया में एशियाटिक लिली को आप ग्रो कर सकते हैं अक्टूबर में, और अदर कंट्री में जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती हो और जहाँ पर कोल्ड एरियाज़ हों वहाँ पर ये पूरे साल भर ग्रो किया जा सकता है क्योंकि सर्दी वाले एरिया के अंदर ये पेरेनियल प्लांट है और गर्मी वाले एरिया के अंदर ये सीजनल प्लांट है, ओनली ये ठंड में ही ग्रो करता है। एशियाटिक लिली को विंटर की फुल डे की फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है और इसे आप पूरा पूरा दिन सर्दी में धूप में रख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। इसे पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है सर्दियों में और इसे आप 10 से 15 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं, या फिर अगर इसकी सॉइल ड्राई हो तो आप इसमें पानी दे सकते हैं। एशियाटिक लिली के लिए आप चिकनी मिट्टी को छोड़कर कोई भी सॉइल में इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जिस मिट्टी में पानी ठहरावा ना रहे उसमें आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और मैंने इसमें यूज़ की है बालू रेत, और बालू रेत का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, इसमें पानी ठहरता नहीं है और प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। एशियाटिक लिली ब्यूटीफुल फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है हर समय और इसके फ्लावर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसके लिए अच्छी एनर्जी की ज़रूरत होती है प्लांट को, तो आप फॉस्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद इसमें देते रहें वीकली, तो काफ़ी अच्छे से ये सर्वाइव करता रहेगा और हेल्दी रहेगा और बिग फ्लावर ये प्रोड्यूस करता रहेगा। इसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत रहती है और इसमें आप सीवीड दे सकते हैं, फिश फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो वो बहुत ही जल्दी काम करती है, इसे आप दे सकते हैं वीकली। एशियाटिक लिली में एक ही बीमारी लगती है, वो है फंगल इन्फेक्शन की। आप महीने में एक बार फंगीसाइड पाउडर इसमें स्प्रे कर दें। आप 1 लीटर पानी लें और उसमें 1 चुटकी फंगीसाइड पाउडर मिक्स करके प्लांट के ऊपर आप स्प्रे कर दें, जिससे इसमें फंगल इन्फेक्शन की बीमारी नहीं लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर का, पानी का और फर्टिलाइज़र का, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।